हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत इजी सी और बहुत क्विक चीज़ी गार्लिक ब्रेड। ठीक है, बहुत सी जगह पे हम जाके खाते हैं ये रेसिपी को, तो आप इसीलिए आप इसको घर में बनाएं और मज़े से लेके खाएं। चलें आप रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने दो ब्रेड की मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने दो गार्लिक लिए हैं। आप इसको मैं इससे ना कद्दूकश करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है कटर, तो आप इसको छुरी से भी, छुरी की मदद से भी फाइन कटिंग कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने दो लहसुन को देखें अच्छी तरीके से इसको ग्रेट कर लिया है। आप मैं लूँगी एक भर के चम्मच बटर, ठीक है। आप ये सॉल्टेड भी ले सकते हैं, मार्जरीन भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रीज़र में नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें मिक्स हर्ब लूँगी, ठीक है, और चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, ठीक है। अगर आपको मिक्स हर्ब नहीं पसंद, तो आप इसमें सिर्फ ओरिगानो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं ब्यूटी के लिए ना हरा धनिया भी इसमें मैंने फाइन कट करके डाल दिया है, ठीक है। अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड मैंने इसको लगाया इस तरह ब्रेड पे, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लगाएं इसको ब्रेड पे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने देखे दोनों बटर अच्छी तरीके से इस पर स्प्रेड कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, ठीक है। अब मैंने, अच्छा, ब्रेड को इस तरह टर्न कर लेना है। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ रखनी है। वैसे अगर हम बाहर खाने जाते हैं, तो उसमें सिर्फ मोज़रेला चीज़ डली हुई होती है। मैं आपको फ्लेवर अच्छा देने के लिए और हेल्दी रेसिपी के लिए इसमें दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने मोज़रेला चीज़ डाली इसमें और मैं चेडर चीज़ भी डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने चेडर चीज़ भी रख दी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गई अब हमारी। अब मेरी जो ये है ना बटर वाली, ये मैंने ऊपर रखना है साइड, और ये इस तरह मैंने इसको नीचे रखना है, ठीक है। अब मैंने तवे पे ऑयल हल्का सा ग्रीस करना है और फिर इसको कुक करनी है। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ये इस तरह रख लिया। आपको चूल्हा बिल्कुल मीडियम ही रखना है, बल्कि अगर आप स्लो भी रख लें तो सही है, ठीक है। हमें इससे कुक करना है, ये बटर वाली साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए। अच्छा गाइस, हमारी देखें 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह से ब्यूटीफुल कलर आया है, ठीक है। आपको लो स्लो ही रखनी है ताकि गोल्डन और क्रिस्पी रहे। बहुत हाई फ्लेम पे आप इसको कुक नहीं करेगा, क्योंकि गार्लिक ऑलरेडी जलने की स्मेल ना आए। अच्छा, मैंने 3 मिनट से कुक करना है, ठीक है। मैंने ढक के स्लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, इसको ढक दिया ताकि चीज़ हमारी अंदर से कुक हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए हमारी दोनों साइड टर्न हो गई है, और अगर आप स्मेल कर सकते हो तो मैं आपको बताती हूँ, इसकी स्मेल बहुत गार्लिक की सौंधी सौंधी स्मेल आ रही है। ये हमारी कुक है, आए अब सॉस इसकी बनाते हैं। अच्छा, इसी फ्राई पैन में ना इसकी डीप सॉस रेडी करें, चीज़ी डीप सॉस। इसमें मैंने बटर लिया, ठीक है, ये मार्जरीन भी आप यूज़ कर सकते हैं और सॉल्टेड भी कर सकते हो, ये रूम टेम्परेचर से होनी। अच्छा देखिए, फ्राई पैन अगर आप ये लेंगे ना, तो गार्लिक फ्लेवर जो अभी मैंने इसमें तला है ब्रेड को, तो वो भी इन्हेंस होगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 1/4 कप जो है ना, मैंने इसमें मिल्क ऐड करना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने 1 खाने का चम्मच ना मिल्क पाउडर यूज़ किया। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती अभी आप लोगों से। इसको मुझे अच्छी तरीके से चलाना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसमें डली की चीज़ स्प्रेड, अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड ना हो तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस चीज़ का डलना ज़रूरी है। तो ठीक है, मेरे पास चीज़ क्यूब्स है, मैं वो डाल रही हूँ। अब मैं इसको सिर्फ चीज़ को अच्छी तरीके से मेल्ट करूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएगी दैट्स इट। और देखिए, ये हमारी गाढ़ी भी। अच्छा, मैंने एक ब्रेड का बनाया है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा बनाएं, तो फिर इसकी सॉस की क्वान्टिटी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी है विथ सॉस, और आप प्लीज़ इसको इंजॉय करें विंटर में, और मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।